हेलो फ्रेंड्स, मेडिसिन जानकारी के चैनल में आपका स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, आज हम रिव्यू करने वाले रेवलिन डी 50/20 mg कैप्सूल के बारे में। रेवलिन डी 50/20 mg कैप्सूल का क्या यूज है, कब इसको यूज़ किया जाता है, कितने दिन तक यूज़ किया जाता है, यूज़ करने से क्या बेनिफिट्स होता है, इसके क्या साइड इफेक्ट्स है, इसके अंदर क्या कंपोजिशन डालिए और किस प्रकार का काम करता है। तो रेवलिन डी 50/20 mg कैप्सूल के बारे में संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रही। चैनल पे वीडियो पे पहली बार विजिट किया पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपके पास एक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। वीडियो स्टार्ट करते एक छोटे से इंट्रो के बाद। इस वीडियो में दी हुई जानकारी केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तेमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह लें। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवाई का उपयोग करते हैं और आपको कोई साइड इफेक्ट होता है तो उसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। दिस वीडियो इज ओनली एंड ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। सब्सक्राइब करें मेडिसिन जानकारी को सबसे पहले मेडिसिन से जुड़ी जानकारी के लिए। शुरू करते हैं रेवलिन डी 50/20 mg कैप्सूल, जो कि हमारे पास 10 गोली का कैप्सूल है। रेवलिन डी 50/20 mg कैप्सूल को एरिस लाइफ साइंस लिमिटेड कंपनी के द्वारा बनाया जाता है। रेवलिन डी 50/20 mg कैप्सूल के अंदर कंपोजिशन की बात करें तो उसके अंदर कंपोजिशन से प्री का बैलेंस 50 mg एंड डोलोक्सेटिन 20 mg कैप्सूल इसके अंदर डाले गए हैं। रेवलिन डी 50/20 mg कैप्सूल के यूज़ के बारे में बात करें, उसका इस्तेमाल ये कैप्सूल ट्रीटमेंट करती है न्यूरोपैथिक पेन के इलाज के लिए ये कैप्सूल का इस्तेमाल किया जाता है। रेवलिन डी 50/20 mg कैप्सूल का इस्तेमाल ये कैप्सूल ट्रीट करती है लॉन्ग लास्टिंग क्रॉनिक पेन्स, नर्व डैमेज, डायबिटीज सिग्नल्स, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी या दर्द उससे जुड़े लक्षणों जैसे कि मूड में बदलाव, नींद की समस्या और थकान को कम करता है। रेवलिन डी 50/20 mg कैप्सूल का इस्तेमाल न्यूरोपैथिक दर्द के इलाज के लिए कैप्सूल का इस्तेमाल किया जाता है। रेवलिन डी 50/20 mg कैप्सूल के कुछ कॉमन साइड इफेक्ट में हो सकता है मिचली आना, हेडेक होना, चक्कर आना, तो ये कुछ साइड इफेक्ट देने को मिल सकते हैं। तो रेवलिन डी 50/20 mg कैप्सूल का इस्तेमाल अपने डॉक्टर की देखरेख में इस्तेमाल करें। रेवलिन डी 50/20 mg कैप्सूल किस प्रकार काम करता है। रेवलिन डी 50/20 mg कैप्सूल के अंदर दो मेडिसिन रहती है, यानी कि प्री का बैलेंस और डोलोक्सेटिन। प्री का बैलेंस एक एल्फा 2 डेल्टा लिगेंड्स है जो तंत्रिका कोशिकाओं की कैल्शियम चैनल गतिविधि को मॉड्यूलेट करके दर्द को कम करता है। डोलोक्सेटिन एक सेरोटोनिन नोरेपिनेफ्रिन रिएप्टेट इनहिबिटर SNRI है जो ब्रेन में दर्द के संकेतों को मूवमेंट को रोकने वाले केमिकल मैसेंजर सेरोटोनिन और नोराड्रेनालिन के लेवल्स को बढ़ाता है। एक साथ देने पर यह न्यूरोपैथिक दर्द यानी कि क्षति की तंत्रिकाओं के कारण होने वाले दर्द से राहत देते हैं। रेवलिन डी 50/20 mg कैप्सूल को यूज़ करने के पहले अपने जनरल जैसी फैमिली डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करें, बाद में इस कैप्सूल का इस्तेमाल करें। अपने मन से रेवलिन डी 50/20 mg कैप्सूल का इस्तेमाल कभी भी नहीं करें तो रेवलिन डी 50/20 mg कैप्सूल के बारे में कुछ भी डाउट तो भी कमेंट सेक्शन बताएं। रेवलिन डी 50/20 mg कैप्सूल का वीडियो आपको थोड़ा सा यूजफुल हेल्पफुल लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल को प्रेस करिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियोज़। ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज और नॉलेज के लिए था। कोई भी कैप्सूल का इस्तेमाल करने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें।